तो गाइज मैं अभी आई हूँ अपने परिवार के नए सदस्य को थोड़ा घुमाने के लिए, और मैं जो हूँ मनाई करके भी आ गई हूँ। सुबह 4 बजे चले गए थे और अभी 5:30 बजे घर आए हैं, और मैंने सोचा थोड़ा इसको घुमा लाएं और इसको दिखा देते यहाँ का एरिया कि कहाँ कहाँ जाना है तुझे और कहाँ कहाँ नहीं जाना है तुझे, ठीक है ना मिठू। और गाइज ये है अखरोट का पेड़, इस पे अखरोट नहीं आ रखे इस टाइम पे। सुन मिट्टू सूची हम घर, ठीक छी। घास भी नहीं छोड़ो रे, इसे कुड़जू कहते हैं। और हमारे इस बार काफी अच्छे अखरोट लगे हैं, तो हम अखरोट निकालेंगे अब। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हेमा नेगी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पहाड़ मेरे मुल्क में और मेरे गांव में भरज में। और गाइस आज जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और ऊपर से बादल भी लगे हुए, लेकिन मौसम ठीक है, धूप लगी बहुत तेज़ धूप। और गाइस हमारे यहाँ छोटा सा हवन है, तो मेरे चाचा की लड़की हो रखी थी तो उसके लिए हवन रखाया, थोड़ा छोटा सा है तो मैं उसके सामान दिखाती हूँ कि पूजा के लिए क्या क्या सामान जरूरी होता है। तो शुरू करते हैं पहले धूप से। ये है जो, और ये है तिल, और इसमें है दूध, और इसमें है दही, और फूल ये तय दूध, ये रही फूल, और पिठाई है। यहाँ पे आटा है और इसमें चावल है, और ये है मीठा, कुछ मीठा हो जाए चीनी। यहाँ पे कुछ छुल्ले हैं और आम की लकड़ियाँ हैं और पीपल की लकड़ियाँ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है रोट, इसके बिना तो पूजा ही नहीं होगी। सब चीजें दिखा दी है, लेकिन बस पंडित जी का आना बाकी है। देखते हैं पंडित जी किस टाइम पे आते हैं, क्योंकि अगर बिना पंडित के पूजा तो होगी नहीं, तो पंडित जी का वेट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम वासुदेवं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे मङ्गलाः। तो गाइस अभी बज रहे हैं 5:00 और मैं जा रही हूँ खेत में, चाय ले जा रही हूँ अभी खेत में। मम्मी पापा जो है खेत में जा रखे हैं और साथ में कृष्णा भी जा रखी है, तो हम जा रहे हैं आज कोदे के खेत में, मतलब मंडुआ के खेत में। ये जो कूद हुआ है था बाबा, ये तो कम आयो कैन कर रही मैं हूं रिख बाबा, ये डले दिन छोरी रिख लगे तू रिख दिया दिया रात में ने यार, तेरे दगड़े वाला रिख तो बे होना सी हमारा को इन दोनों ने इतना निकाला अभी तक। ये का नाम छे नाम नहीं खत्म, ये हमने भी दे अब मैं तेरे घास का ना मैं घास का सही। तो गाइस जहाँ देख सकते हैं भालू ने यहाँ खेत का पूरा कबाड़ा कर दिया है, और ये एक भालू उसी भालू ये है देख सकते हैं, सेम कपड़े पहने भालू के जैसे, बबलू डब्लू
ये देख सकते हैं पूरा खेत बर्बाद किया है। वीक तो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भालू को, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तो ये सब जो है विक बोलते हैं। और मैं लाई हूँ चाय, टिंग टिंग, कौन कौन पिएगा चाय? चाय पर आप हथौड़ी बहुत खतरनाक की बात है, आप हथौड़े तो अरे कर दो स्लिम ट्रिम लोड़ी ची तू यार। जी भंग जरूर आओ, ये की चटनी बल अब बहुत अच्छी चटनी बन, बढ़िया चटनी बन। अच्छा खवाई देगा मैंने तन बुखार। अरे दी तवाली डाल लो तब बोरा रब नहीं लेंगे। बिसरी नहीं बिसरी बिसरी ए कृष्णा क्या करने पियू? मैं कोद लोड़ लो। कोद लोड़ की? अच्छा के मन से कोदू यार के बात के निकल में आऊं दूर दे। अच्छा हां मंडवेर वडी में खानी बहुत। अरे खा तो कि नहीं सुमा दो जरा कोद लौट से गोबर का मैला ना ये दियो ही मैं तो मिल गो दियो खान के जरा बोल दो सही के काटन के नहीं काटन पता नहीं काटन हर कोद का दियो बस मार दी हां जरा जरा तुम भी देखो अरे जरा ताओ भी। अच्छा अब आप पापा भी है क्या? अरे वाह 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 ना कर दिया यार देखो देखो मैं मोबाइल टूट उस मैं तो मोबाइल था ना। हाँ गाइज अब हम पीते हैं चाय क्योंकि पापा ने चाय रख दी है और खेत में चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है और बहुत ज्यादा स्वाद आता है खेत में चाय पीने का। तो हम पीते हैं चाय। चल करो चलो मी भाई बोलो तो चला सची पता नहीं मैं भी नहीं पता ये तो ये वाली उड़ना की पारे वाली ये बाली पे मेहनती लोग मेहनत करो मेहनत करो फिर पौधा बेचो यू बेचो मिक्स करके बटे खाएंगे। कर जाने की क्या कहीं का अच्छा घास काटने भैंस हो जी ना भी तुम्हारी एक ना भैंस हो
तो गाइस ये है पहाड़ी बच्चे, सुबह शाम दिन खेत में करते हैं काम और रात में करते हैं पढ़ाई। किशर मारे तू है पढ़ 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 ऐसे होते पढ़ाकू बच्चे, ये देख कहीं भी पढ़ाओ इनको। तो गाइस कृष्णा आज रात हमारे यहाँ रह रही है और आपको कल पता चलेगा कि वो हमारे यहाँ क्यों रह रही है। पकड़ना हाँ तो ठीक है, बहुत सुबह पता चलो कृष्णा आ रहा थी अक्की ले जी ठीक है ना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट आई सी यू। लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय उत्तराखंड जय गढ़वाल जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।